तो हेलो एवरी वन माई नेम इज अक्षय एंड वेलकम टू दिस जी एफ जी प्यर स्पीक ऑफ डे एटी तो आज के क्वेश्चन लास्ट मॉडिफाइड बॉल बिफोर स्टार्टिंग दिस चैनल प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब तो ठीक है शुरू करते हैं आज के क्वेश्चन को इजी कैटेगरी क्वेश्चन है नंबर ऑफ पॉइंट इज टूर्यर सो क्वेश्चन को पढ़ते हैं अगर आपने क्वेश्चन पढ़ रखा और आप ये सोल्यूशन गेस कर पा रहे हो और कोड भी कर पा रहे होट्स वेल एंड गुड एल जस्ट जम्प टू द क्वेश्चन सो सैम लेड आउट एंड बोल्स इन अ स्ट्रेट लाइन And put few marbles randomly in each bowl Okay, so we have n bowls. In a straight line, and a each bowl there are few marbles. So, ith bowl has ith marbles. Okay, a bowl can never have more than nine marbles at a time. Okay, a bowl can have zero marbles. Samuel's friends add one more marble to the last bowl. After this addition, in all bowls must be aligned with this rules mentioned above. Okay, so adding a marble follows the same rules of addition with carryover. रूल ऑफ दिस कैरी ओवर इन रिगार्डनो ठीक है पोजिशन इट इज गैरेंटीड इज एट लीस्ट वन बोल विच हैजन स्पेस लेफ्ट तो हमारा काम क्या है यहाँ पर कि

ठीक तो है तो देखते हैं यार ये आ, इसका टेस्ट केस कैसे काम कर रहा है तो ये कहना चाह रहे हैं कि यू तो उसने बोला कि मैं इसमें एक मार्बल ऐड करूंगा तो ठीक है यही हुआ तो लास्ट मॉडिफाइड तो तो इज तो 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 बोल तो फोर्थ फोर आंसर राइट सेकंड टेस्ट केस के लिए आई कैन सी दैट एरे एलिमेंट्स वन नाइन नाइन है राइट एंड सैमल फ्रेंड

लास्ट मॉडिफिकेशन बोल वॉज दिस वन राइट द फर्स्ट बोल इसलिए फर्स्ट आंसर है याराइव so, के लिए वर्स्ट कॉम्प्लेसिटी क्या होती है एक बार उस चार्ट पे चलते हैं अपने के लिए ये चार्ट कैसे बनाया मैंने ये इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बना रखी है अबाउट टीयली अब ये फ्लैश हो रहा है आप देखो जाके दिस लॉजिक होल्ड फॉर इच एंड एवरी क्वेश्चन टेन पॉल फाइव के लिए वी हैव दिस मैक्स कॉम्प्लेक्सिटी एज रूट ओके तो टेन पॉल फाइव है वी कैन यूज मैक्स एन रूट एन और इससे नीचे जा सकते हैं राइट तो वी कैन यूज एन वी कैन यूज लॉग एन रूट एन ये सब कर सकते हैं तो so, ओके okay, सोचना शुरू करते हैं एन रूट एन का तो कुछ पता नहीं चल रहा है ठीक है यार तो मैक्स हम यहाँ तक जा सकते हैं ओके okay, तो मतलब इसका मतलब हम बस सिंपल एडिशन करना है यार हम इस एरियल एलिमेंट्स को एज एज अ नंबर मान ले राइट right? ये थ्री डिजिट नंबर है सो द लास्ट मॉडिफिकेशन डन हियर, सिमिलरली थ्री सिक्स में हमने सिर्फ एक वन ऐड किया तो फाइव से हो गया right? ऐसा कुछ करना है तो मैं देख पा रहा हूँ इसकी जो कंडीशन थी कि कि किसी भी किसी भी एरिया ऑफ आई में नाइन से ज्यादा एलिमेंट नहीं होने चाहिए तो हम इसी को एक्सप्लाट करते हैं यूज करते हैं अगर नाइन से ज्यादा होते हैं राइट right. अगर नाइन से ज्यादा नहीं लेट्स से थ्री वन फोर फाइव था तो अगर मैं कह दूं कि अगर ये लास्ट एलिमेंट ही हमारा इसमें नौ एलिमेंट्स नहीं है तो आई जस्ट रिटर्न आई ये इंडेक्स में रिटर्न करा दूंगा ना। सबसे तो मैं एक जो मैं उल्टा करू है मिन, पीछे से ही सामल का फ्रेंड जो है एक बोल एक मार्बल एड कर रहा था तो ठीक है तो कंडीशन हो जाएगी कि अगर ये दिस लास्ट एलिमेंट इफ इट्स इफ इट्स नॉट इक्वल टू नाइन तो यही हमारा आंसर है बट इफ इट्स इक्वल टू नाइन जैसे हमारा यहाँ पे था अगर ये नाइन है तो फिर हमें फिर से चेक करना होगा कि ये लास्ट वाला जो कि वो नाइन है यानी राइट सेकेंड लास्ट डिजिट फिर से हमारे पास नाइन था राइट right. तो फिर हमें चेक करना पड़ेगा कि अब जो थर्ड लास्ट डिजिट है वो नाइन है यानी ठीक है यार तो इसका मतलब है यार कि वेन एवर वी हैव दिस केस एज नाइन हमें चेक करना होगा कि एक नाइन आ गया राइट right? है ना तो उसके पीछे कौन से ऐसे डिजिट है डिजिट विच इज नॉट इक्वल्स टू नाइन तभी जो इसका carry forward जो हमेशा हो हो रहा है है पे यहां पे, यहां पे, यहां पे, यहां पे यहां। अगर कोई भी तो तो वो क्या हो गया तो one से लेके eight के बीच में होगा और उसमें प्लस one कर देंगे तो नाइन हो जाएगा तो मतलब इसके बाद कभी भी कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा राइट जैसे यहाँ पे इस one के बाद कैरी फॉरवर्ड नहीं हुआ था अब इस वन की जगह टू होता एट के बीच में कोई भी नंबर होता सो सेड से हमारा कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा राइट ओके okay, तो मैं कोड को कुछ इस तरह लिख सकता हूं यार मैं पीछे से ट्रेवल्स करूं एंड इफ आई जस्ट चेक कि वेन एवर आई एम फाउंडिंग नंबर अ काम करेगा बिल्कुल करेगा ये फाइव था तो इसके हिसाब से सिर्फ यही आई रिटर्न हो जाएगा क्योंकि प्लस वन हो गया एट सिक्स हो गया नाइन नाइन के लिए इज नाइन तो हमारा लूप पीछे चल जाएगा फिर अगेन नाइन है तो फिर से पीछे काम करेगी और इसकी टाइम पॉइंट विच इज ऑब्सलीस टेन पॉइ सो इट विल इफ आई कोट दिस वर्क एंड इट विल नॉट गिफ्टी तो लेट्स था

टू नाइन देन स्टोर दैट इंडेक्स इन आंसर तो हम आंसर इक्वेस्ट टू आई करेंगे जीरो बेस्ट इंडेक्स आई प्लस वन करेंगे राइट और जैसे ही हमें आंसर मिल गया वी डू नॉट वॉन्ट कि हम आगे भी चेक करें है ना जैसे इस केस में था इसके केस में थ्री वन फोर फाइव था राइट right? तो so जैसे ही हमें फाइव मिला सो दैट वॉज अर आंसर और नहीं चाहते कि ये फॉल्ट लुप आगे चेक करें तो उसके लिए हम क्या करेंगे वी विल यूज दिस ब्रेक स्टेटमेंट And whenever, as soon as this for loop will finish, I just, I will just return answer. So let's compile and run. So in case, we expected time complexity or space complexity. No problem. Our approach will work. Hmm, बिल्कुल सही बात है योर आउटपुट एक्सपेक्टेड आउटपुट मैचेस सो लेट्स इट द सबमिट बटन तो हमारी अप्रोच सही है तो ये बिल्कुल सबमिट हो जाएगी क्योंकि तो ये ऑलरेडी ओ ऑफ एन में जा चुका है दैट इस टेन पॉफ फाइव एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ठीक है यार तो ये सबमिट हो चुका है स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी विल बी ओ ऑफ वन ओ ऑफ वन तो ये क्वेश्चन सही में बहुत आसान था तो ओके okay. तो मिलते हैं कल के पीड श्री के डे एटी वन में तब तक के लिए फ्यू लास्ट थिंग्स दैट दिस माई डी एस एड पॉजिटिव यू कैन यू मस्ट फोक्ट एल सोर्स कोड एज वेल एज दिस इज माई इंस्टाग्राम चैनल फॉर जस्ट डी एस ए पर्पज आप मुझे कभी भी इस पर कनेक्ट कर सकते हो फॉर एनी डाउट्स एंड गाइडेंस यू हैव आई बी अवेलेबल फॉर यू 24/7 इंटू सेवन एंड थैंक यू फॉर शोंग द सपोर्ट ऑन यू ट्यू चैनल इफ यू ट्यूब चैनल प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब मिलते हैं कल के प्यड्री के डे एट में तब तक के लिए अपना बब बाय टेक केयर और ख्याल रखो और पढ़ते रहो यार